जी अपने आसन से खड़े होकर के उनका स्वागत करें। धन्यवाद। सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। सर्वप्रथम मैं आरोप करूंगा श्री राजेश सहरिया जो निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा सदस्य के रूप में कांति जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। भी अपने बहुत प्यार करती है। भाभी जी ने मुझसे कहा कि आप भूल गए, ये लगाव बन जाएंगे। सबके मन में अपनी अपनी भावनाएं हैं। और योगेंद्र जी की पत्नी देख रही है हमारी तरफ कि हमें क्यों नहीं बुलाया। मैं चाहूंगा योगेंद्र जी एक पुष्प कुछ लेकर के आप भी दे दीजिए। साहब हमारे लिए सुकुन फराज देंगे, हमारे बड़े भाई। मैं चाहूंगा आज बजरंग बली जी का दिन है, वो आनंद रखते हैं और मैं भी हूं। वो आए हैं चल करके, आज उनको कहीं और जाना था लेकिन वो खुद चल करके आए। जो तिवारी जो खानपुर से चल करके आए हैं, कितने शालीनता के साथ जिसको लगते नहीं है वो व्यक्ति तो है जो हजारों गरीबों का कल्याण करने वाली संस्था। हाँ, ये बात सही है। कार्यकर्ता का है, आपने बताया अपना दल के कार्यकर्ता है। जितने भी लोग हों अपना दल के हो बिल्कुल तुरंत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत कर लें अपने नेता का। कहते हैं यहाँ विधानसभा में कार्यकर्ता का स्वागत करेंगे आदरणीय मंत्री जी का। हाँ भैया, भैया का भी स्वागत कुछ लोग करना चाहते हैं। जो भी माता है मैंने जैसे कि आप सभी जो भी हमारे से पंचायत सदस्य साथी अवगत हो रहे हैं कि 2021 में विकासखंड अमौली में हमारे पास कुल 1,44,00,000 रुपए राज्य वित्त का आया था, जिसमें हमारा 19-20 का पैसा भी शामिल था। बहनों का क्योंकि बहुत संख्या में हमारी बहने आई है, मैं उन सभी बहनों का और मंच पर उपस्थित जितने लोग आज यहाँ पंडाल पर उपस्थित हैं, मैं तो आवश्यकता और जरूरत रहती थी तो जितने लोग कुर्सियों में बैठे हैं, जितने लोग मंच में हैं, हमारे पत्रकार साथी भी घर बैठे बगल में बैठे हैं, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी है, सभी लोग जितने लोग आए हुए हैं और सबका कैसे मैं अभिनंदन करूँ, कैसे आपका स्वागत करूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरा पूरा स्नेह और पूरा प्यार आपके साथ है। जो भी मैं यहाँ तक जहाँ तक पहुंचा हूँ, आज उत्तर प्रदेश सरकार को नेता के बारे में
नहीं कहा कि प्रशासन का उपयोग, ये सारे लोग जानते हैं यार, बीडीसी सदस्य दबंग का फोटो खींच लिया गया, दबंग में दस्तक किसी बहाने पे कराए गए और एफिडेविट बनाए गए। जो व्यक्ति केवल राजनीति के शुरुआती दौर में इतनी 420 का काम करता हो, उससे क्षेत्र का भला क्या हो सकता है? ये सोचने की बात है, ये समझना भी चाहिए और समाज के उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग उनकी मदद और सहयोग करते हैं। मैंने हमेशा कहा है लोगों से कि यहाँ के पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हुए उनके कार्यकालों को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने 2005 में चुनाव लड़ा था, समाज के तो बिचारे लोग हैं या समाज के जिम्मेदार लोग हैं जो चुनावों पर बात करते हैं और बैठ करके पंचायत में करते हैं। ताकत रखता हूँ तो ताकत मैंने 2000 में दी, यहाँ पर वो लड़ाई।